हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लिक जॉब। हम इस चैनल में जॉब रिलेटेड न्यूज हमेशा अपडेट करते रहते हैं। इंडियन आर्मी में भर्ती के लिए एक नया नोटिफिकेशन आया है। ये चीफ सिग्नल ऑफिसर हेडक्वार्टर ईस्टर्न कमांड कोलकाता से CSBO सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर ग्रेड 2 की नौकरी है। ये CSBO में जो टोटल पोस्ट है, टोटल 16 पोस्ट रहने वाला है, उसके बारे में अभी हम डिटेल में बताएंगे। कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन एलिजिबल है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन प्रोसेस कहाँ चलेगा, इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। अगर आप CSBO में भर्ती होने के लिए इच्छुक है या इंडियन आर्मी में जाने के लिए इच्छुक है तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इसलिए अभी शुरू करते हैं हम इसको। जूम करते फॉर द पोस्ट ऑफ CSBO सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर ग्रेड 2 ग्रुप सी फ्रॉम सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। इसके बाद बोला जो ये आपको एप्लीकेशन भेजना होगा, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजेंगे, वो भेजने का जो एड्रेस है यहाँ पर दिया है, हेडक्वार्टर ईस्टर्न कमांड सिग्नल, यानी कि हेडक्वार्टर ईस्टर्न कमांड विथ इन ब्रैकेट सिग्नल PIN 900285 केयर ऑफ 99 APO। इस एड्रेस में आपको सेंड करना होगा जो टाइम फ्रेम दे रखा है उसके अंदर में। इसमें जो पे बैंड रहने वाला है, आपको सैलरी कितना मिलेगा, पे बैंड रहने वाला है 21,700, 21,700 प्लस अलाउंसेस है, यह 7 CPC के हिसाब से आपको इसमें सैलरी मिलेगा। अभी डिटेल्स और वैकेंसी के बात करें तो इसमें टोटल जो वैकेंसी है 16 है, 16 वैकेंसी है। SC के लिए 4, OBC के लिए 3, अनरिजर्व के लिए 6, EWS के लिए 1, PSC के लिए 1, ESM के लिए 1, ये टोटल 16 वैकेंसी रहने वाला है। अगर क्वालिफिकेशन के बात करेगा तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिक और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मैट्रिक और इस इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसके बाद प्रोफिशिएंसी इन हैंडलिंग प्राइवेट बोर्ड एक्सचेंज, इसका नॉलेज आपको होना ही चाहिए तो भी आप इसमें एलिजिबल है। इसके बाद आपका फ्लुएंसी इन स्पोकन इंग्लिश एंड हिंदी, आपको इंग्लिश और हिंदी में बात करना भी आना चाहिए। एज लिमिट क्या रहने वाला है, एज लिमिट एज ऑन 1 अप्रैल 2022 में 18 से 25 साल के अंदर होना चाहिए। इसके बाद जो रिलैक्सेशन मिलेगा, जो रिजर्व कैंडिडेट है उनके लिए क्या क्या रिलैक्सेशन है उसके बारे में बात करते हैं। ये देख लीजिए, एक्सटेंड ऑफ एज कंसेशन OBC के लिए 3 ईयर्स है, इसके बाद SC ST के लिए 5 ईयर्स है, PSC के लिए 10 ईयर्स है, और PSC में आप SC ST होंगे तो 15 ईयर्स है, और PHC में आप OBC होंगे तो आपको 13 ईयर्स का रिलैक्सेशन भी मिलेगा। रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट का जो डेट है, वो जो एलिजिबल एप्लीकेंट्स रहेंगे उन्हीं को बता दिया जाएगा, मतलब जो पेपर चेकिंग करने के बाद जिनको एलिजिबल देखा जाएगा उन्हीं को इनके ये डेट बता दिया जाएगा। अगर कोई भी पर्सन अभी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या PSU में नौकरी कर रहा हो और वो भी एप्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अपने ऑफिस के थ्रू ऑफिशियली प्रॉपर चैनल में भेज सकते हैं। जो रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट रहेंगे वो उनका कौन सा कैटेगरी है, SC है, ST है, क्या है, वो भी एनवेलप के ऊपर लिख देंगे, या एक सर्विसमैन है वो आपका एनवेलप के ऊपर उनको भी क्लियरली लिखना होगा। इसके बाद देख लेते आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या सबमिट करना होगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आपको बर्थ सर्टिफिकेट और फिर सारे जितना भी आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे उसको आप सेल्फ अटेस्टेड करके ही भेजेंगे, नहीं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट चाहिए, एडुकेशनल क्वालिफिकेशन,
टेक्निकल क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट है वो चाहिए, एक्सपीरियंस आपका कोई एक्सपीरियंस है तो अर्ली एक्सपीरियंस है उसका भी सर्टिफिकेट देंगे, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आप दे देंगे, अगर जो रिजर्व कैटेगरी का है उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट भी देना होगा। इसके बाद दो एनवल्व सेल्फ अटेस्टेड करके उसमें 10 रुपीस का पोस्टल स्टाम्प लगा के, पोस्टेज का जो स्टाम्प रहता है 10 रुपीस का, दोनों में लगा के आपका होम एड्रेस लिख के उसी जो एनवल्व भेजेंगे उसके अंदर आपको देना होगा। इसके बाद आपको फोटो आईडी देना होगा एक, जैसे वोटर कार्ड, आई कार्ड, आधार कार्ड, ऐसा एक फोटो आईडी देना होगा सेल्फ, वो भी सेल्फ अटेस्टेड करके देना होगा। सर आप फिल करेंगे वो इंग्लिश और हिंदी कोई भी लैंग्वेज में आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पे ये क्लोजिंग डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। ये एडवर्टाइजमेंट जब से पब्लिक होगा इसका 30 डेज के अंदर ही आपको एप्लीकेशन भेज सबमिट करना होगा। स्कीम ऑफ एप्लीकेशन में क्या क्या है देख लीजिए, सिलेक्शन आपका कैसे होगा, सिलेक्शन आपका मेरिट के बेसिस पे ही होगा, ये 100 मार्क्स से आपका एग्जाम भी होगा, ये अगर रिटन टेस्ट में आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में देखते हैं अभी क्या क्या रहने वाला है, आपका सब्जेक्ट और पेपर कितना रहने वाला है। देख लीजिए पेपर वन में आपका जनरल इंटेलिजेंट रहेगा, इसके बाद रिज्यूमिंग रहेगा, ये सब ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप का होगा। पेपर टू में जनरल अवेयरनेस है, पेपर थ्री में जनरल इंग्लिश है, पेपर फोर में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो इंग्लिश और हिंदी में होगा, आप उसको इंग्लिश और हिंदी किसी में भी आंसर कर सकते हैं। जो स्किल टेस्ट होगा ये आपको एक्सचेंज ऑपरेशन के बारे में आपको देखा जाएगा। एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है देख लेते हैं उसमें क्या क्या है। फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन देखिए, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ CSBO सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर ग्रेड 2 हेडक्वार्टर ईस्टर्न कमांड सिग्नल पिन शो एंड शो केयर ऑफ 99 APU। इस एड्रेस में आपको भेजना भी है, रेफरेंस न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का रेफरेंस यहाँ पर डाल देंगे, एडवर्टाइजमेंट नंबर डेट यहाँ पर डाल देंगे। ये जो सारे कलम आप इसके बाद फिलअप करेंगे, ये जो ऊपर फिलअप करेंगे कैपिटल लेटर में ही फिलअप करना है। ये नेम ऑफ द कैंडिडेट आपका नाम फिलअप कर देंगे, जो आपका मैट्रिक या SSC का सर्टिफिकेट होगा उसी नाम को ही फिलअप करेंगे। यहाँ पे आपका पासपोर्ट साइज का फोटो सेल्फ अटेस्टेड करके यहाँ पे लगा देंगे, फादर या हस्बैंड नेम, मदर नेम, यहाँ पे सेक्स लिख देंगे आपका क्या है, डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे, यहाँ पर एज लिखेंगे, ईयर मंथ डेज, कैटेगरी के लिख देंगे अगर SC ST ये सब रिजर्व कैटेगरी बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे आप, नेशनलिटी यहाँ पे लिख देंगे इंडियन, अगर जो पोस्टल एड्रेस आप लिखेंगे उसको ब्लॉक लेटर में आप फिलअप करेंगे और साथ में पिन कोड लिखना ना भूले, मोबाइल नंबर लिख देंगे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर लिख देंगे, नाम वहाँ पर लिख देंगे। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है ऑलरेडी आप जॉब कर रहे हो, डिटेल्स ऑफ एकेडमी वाले टेक्निकल ऑब्लिक प्रोफेशनल आपका जो टेक्निकल सर्टिफिकेट है उसका डिटेल यहाँ पर आप फिलअप कर देंगे, कौन सा एग्जाम पास किया, ईयर कौन सा है, कौन सा यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आप पास किए हैं, परसेंटेज मार्क का परसेंटेज क्या है लिख देंगे, ये सब डिटेल यहाँ पर आप लिख देंगे।
इसके बाद आप यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे। अगर आपका कोई क्वारी है या कुछ है, अगर कोई डाउट है कुछ भी है, तो आप इनके जो ये टेलीफोन नंबर है इसमें कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। 0333-224-3870-1 इनका ये ऑफिशियल नंबर है, इसमें फ़ोन करके आप जानकारी भी ले सकते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव या जॉब रिलेटेड न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।